स्क्रैच कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करके लोगों को ठगने वाले गिरोह का सजनवा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मात्र 50 रुपए लेकर स्क्रैच कार्ड कूपन की बिक्री करने तथा उसमें निकलने वाले सामान को ट्रक चालकों से धोखाधड़ी करके 1150 रुपए वसूल लेने तथा मना करने पर उनको गाली गलौज व धमकी दे रहे गिरोह की जब सूचना पुलिस को मिली तब प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि 10 लड़के अपने हाथ स्क्रैच कूपन लिए हुए ट्रक चालकों से पैसा वसूल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने 9 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इसमें एक युवक फरार हो गया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने 87 स्क्रैच कार्ड, कूपन, 2 मोबाइल सेट, 5 सफारी सूट का कपड़ा, 2000 रुपये नकद तथा 4 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इनकी पहचान सजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पुंडा निवासी अमीचंद भट्ट पुत्र फूलचंद पंत, सत्यम भट्ट पुत्र गोविंद भट्ट, राहुल भट्ट पुत्र उमाशंकर भट्ट, देवी प्रसाद भट्ट पुत्र सतप्रकाश भट्ट, आकाश भट्ट पुत्र स्वर्गीय राकेश भट्ट, अंकुर भट्ट पुत्र रमाशंकर भट्ट, शोभित भट्ट पुत्र ओम प्रकाश भट्ट, अभिषेक भट्ट पुत्र भूपेंद्र नाथ भट्ट के रूप में हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नाथ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया तो ये काम करते रहते, जो भी ट्रक वाला आ रहा है उसको पकड़ा दिया इस तरह से, तो ये इनके एक कूपन टाइप में जब थाना सहजनवा में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग क्या करते थे कि जो अशिक्षित या ऐसे लोग दिखते थे उनको पकड़ के और कूपन जो इनके पास रहते हैं कूपन को स्क्रैच करवाते थे, जिससे ये कहते थे कि अगर इसमें कोई सामान नहीं निकलेगा तो आपको 100 रुपये मिलेंगे और अगर कोई सामान निकलेगा तो आपको सामान जो भी सामान निकलेगा वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई सामान इसमें निकला तो उसके बाद ज़बरदस्ती उनसे फिर पैसे ले लेते थे कि सामान को पकड़ा के ज़बरदस्ती 1200-1300 या 1500 रुपये उनसे ले लेते थे। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा इसमें शिकायत की गई तो पुलिस द्वारा वहाँ पर जब चेकिंग वगैरह की गई तो ये लोगों का गिरोह वहाँ पर प्रकाश में आया जो ये काम कर रहे थे और जो कूपन का जो स्कीम्स है उसके हिसाब से वहाँ पे लोगों को झांसा देकर ज़बरदस्ती ऐसा काम कर रहे थे। पुलिस द्वारा इसमें इनको हिरासत में लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो कूपन है और जो सामान है और जो कूपन जिसके माध्यम से ऐसा कार्य करते थे लोगों को झांसा देना और साथ ही साथ जो सामान है जो लो क्वालिटी का सामान है वो भी बरामद किया गया और ये जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किन किन क्षेत्रों में? ये सहजनवा थाना क्षेत्र में जो देहात का एरिया है वहाँ पे ऐसी स्कीम्स को जो आने जाने वाले लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो अशिक्षित हैं उनसे ऐसा काम करते थे। ये तो 9 लोगों का गिरोह है, लगभग एक दूसरे के जानने वाले हैं और भी वहाँ बताते हैं इस तरह की स्कीम्स लोग चलाते हैं तो ऐसी स्कीम से भी पुलिस की नज़र है और भविष्य में ऐसे लोगों पर सतर्कतापूर्वक निगाह रखी जाएगी।